पांच हाईएस्ट पेइंग मेडिकल स्पेशलिटीज जो आप MBBS के बाद कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे हाईएस्ट पेइंग है वो है न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन वो होते हैं जो हेड सर्जरी करते हैं, स्पाइन सर्जरी करते हैं, ट्यूमर रिमूव करते हैं और स्ट्रोक और सीजर के पेशेंट को डील करते हैं। जो दूसरे नंबर का हाईएस्ट पेइंग स्पेशलिटीज है वो है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी करना हो गया, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करना हो गया, मींस ग्राफ्टिंग सर्जरी हो गया, ये सब ये परफॉर्म करते हैं। जो तीसरे नंबर में आते हैं वो है ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन वो होते हैं जो हड्डी से रिलेटेड कोई भी बीमारी को ठीक करते हैं, जैसे कि हड्डी के बीच में इम्प्लांट डालना, जैसे कि के वायर फिक्स करना, मींस ट्रॉमा के बाद कोई अगर हड्डी टूटा है तो उसको फिक्स करना। चौथे नंबर के मेडिकल स्पेशलिटीज आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अर्न करते हैं, वो है गैस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पेट से रिलेटेड बीमारी ठीक करते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, इसोफेजियल कैंसर हो गया, और ये बहुत सारे MRCPs भी करते हैं, ERCPs भी करते हैं, जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जो पेट से रिलेटेड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। जो पांचवें नंबर में आते हैं रेडियोलॉजिस्ट, जिसे हर कोई जानता है। रेडियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एक्सरे परफॉर्म करते हैं, सीटी स्कैन परफॉर्म करते हैं, USG परफॉर्म करते हैं, MRI परफॉर्म करते हैं, ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं और ये बहुत ही हाईएस्ट पेइंग मेडिकल स्पेशलिटीज में माना जाता है।